हमीरपुर मुख्यालय से सीधी तस्वीरें ये आप देख पा रहे होंगे, कलेक्ट्रेट परिसर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेजरी ऑफिस के सामने एक बिल्डिंग है, यहाँ पर तमाम विभागीय अधिकारी बैठते हैं। यहाँ पर यहाँ चलते हैं, यहाँ की कुछ हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो सफाई व्यवस्था का दावा किया जाता है कि जनपद में स्वच्छता अभियान को लेकर के तमाम यहाँ पर सफाई अभियान चलाए जाते हैं और जो है भारी संख्या में यहाँ लेवल लगाई जाती है ताकि नगर को अपने जनपद को स्वच्छ बनाया जा सके। यहाँ की सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, क्या स्थिति है ऐसे ऑफिसों की जो यहाँ पर हालात है, सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर बैठने वाले तमाम विभागीय अधिकारी हैं, जो मैं सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। शुरुआत से ये देख लीजिए, यहाँ पर गंदगी का अंबार है, इसके अंदर अब चलते हैं, अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस समय हम इस बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं, जो आप देख पा रहे होंगे करोड़ों की लागत से यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है। अब ये बिल्डिंग के अंदर की क्या स्थिति, ये हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी विभागीय अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, जो भी यहाँ पर जो है कार्यालय हैं अधिकारियों के, यहाँ पर ये दिया गया है कि इतने जिस तल में जो भी अधिकारी बैठते हैं वो सारा यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि आप यहाँ से देख करके, ये जीना यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से आप ऊपर जो है अधिकारियों के पास तक जा सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है उनसे आप समाधान निदान जो है करवा सकते हैं। पहले हम जीना में ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ भी दिखा दीजिए आप किस प्रकार से जो है यहाँ गंदगी का अंबार है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा स्वच्छता अभियान की बात कही जाती है, डेंगू का प्रकोप जगह जगह चल रहा है, कितनी यहाँ गंदगी का अंबार है आप देख लीजिए। यहाँ पर शराब की कितनी सारी बोतलें पड़ी हुई हैं, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर देखिए कितनी शराब की यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई है। आखिरकार यहाँ पर बैठने वाले जो अधिकारी हैं उनको क्या ड्यूटी यहाँ पर दी जाती है? पहली बात तो हमेशा शिकायतें आती है कि जो भी यहाँ अधिकारी रहते हैं वो समय से यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं आते हैं। जो भी अधिकारी आते हैं तो क्या इसीलिए आते हैं? यहाँ पर आखिर ऐसी स्थिति कौन करता है? ये देख लीजिए किस प्रकार से दीवारों पर आप ये देख पा रहे हो, कभी मुझे लगता है यहाँ पर कभी कोई ना सफाई व्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है, ना ही यहाँ रंगाई पुताई का कोई ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर देख पाए कितनी गंदगी फैली हुई है। यहाँ भी दिखा दीजिए, ये खिड़की है जो काफी लागत की बिल्डिंग जब बनी होगी तब लगाई गई, यहाँ पर गिलास लगाया गया, फिलहाल ये जो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ पर भी तमाम गंदगी है। ये देखिए खाद्य सुरक्षा औषधि कार्यालय है, इसका भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अभी ऊपर और चलते हैं, ऊपर की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो लाख दावा किया जाता है साफ सफाई का, सुरक्षा का, देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से जो गंदगी फैली हुई है। वही जो देखा जा रहा है, जनपद में अभी तक 90 से अधिक डेंगू के मरीज निकल चुके हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कितनी गंदगी फैली हुई है। एक बार ये सीधी तस्वीरें आप दिखा दीजिए, कितनी गंदगी, यहाँ पर वॉल बेसन लगाया गया है, क्या स्थिति है यहाँ वॉल बेसन, जो लाखों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को बनाया गया है, यहाँ की गंदगी देख सकते हैं आप किस प्रकार के। यहाँ पर बैठने वाले तमाम विभागीय अधिकारी हैं जो यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर आने वाले जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर गंदगी की वजह से जो भी क्रिया करने जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं। आप देख पाइए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दीवारों पर थूका गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा जो लगातार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी दफ्तर पे बैठेंगे वो गुटखा नहीं खाएंगे और इस प्रकार का जो है सेवन नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख पाएंगे कितनी गुटखा की पुड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं।
और भी आगे चलते हैं, और भी ऊपर की कुछ तस्वीरें ये भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर डस्टबिन तो रखा गया है, अच्छी बात है, लेकिन और भी यहाँ पर शौचालय बना हुआ है, यहाँ की स्थिति देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिखा दीजिए किस प्रकार से इस बिल्डिंग को, इतनी लाखों करोड़ों की जो बनाई हुई लागत से बिल्डिंग ये जो है, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के लोगों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। यहाँ पर दिखा दीजिए क्या स्थिति है, दिखाइए यहाँ पर, देखिए शौचालय की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों के द्वारा गुटखा खा करके यहीं पर थूका जा रहा है। ये दिखा दीजिए वॉल बेसन यहाँ पर लगा हुआ है, क्या स्थिति यहाँ पर, ऐसी स्थिति है जैसे इस बिल्डिंग का ताला वर्षों से खोला ही ना गया हो, यहाँ लगातार जो वर्षों से बंद रहा हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ तमाम विभाग ऐसे हैं जो लगातार यहाँ लोगों के जो है आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, और ये अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ लोग कहें तो सैकड़ों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे एक दफ्तर ये है, यहाँ पर भी गंदगी का अंबार है, उसके साथ साथ यहाँ का जो जाला है वो गवाह है कि आपको जो कम से कम एक वर्ष हो गए होंगे यहाँ पर ना ही सफाई की गई, ना ही बिल्डिंग की रंगाई पुताई की गई है, और ये बिल्डिंग जब से बना दी गई आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, और वहीं जो है मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी बैठेंगे जिस काम लेकर के, तो गुटखा नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर अधिकारी गुटखा नहीं खाते हैं तो यहाँ पर गुटखा कौन खाते हैं, गुटखा खाया भी जाता है और यहाँ पर बिल्डिंगों पर थूका भी जाता है। ये भी दिखा दीजिए, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा जाल लगा हुआ है। अब हम ऊपर आ चुके हैं, ये ऊपर की तस्वीरें हैं, ऊपर भी दिखा दीजिए कितना यहाँ पर जो है गंदगी की गई है। ये देखिए और भी कुछ तस्वीरें हैं, ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कितना यहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ है। वहीं योगी जी के द्वारा लगातार जो है निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी गमला हो उसमें जो पानी रखा रहता है वो पानी नहीं होना चाहिए। इस मटके में दिखाई जरा, इसमें देखिए शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं, इसमें इस प्रकार से जो है यहाँ पर हीलावाली की जाती है। यानी कि यहाँ के जो है जो भी अधिकारी लोग हैं इस तरीके से जो है बेखौफ है कि उन्हें ये मुख्यमंत्री कोई भी निर्देश हो फॉलो नहीं करने तो नहीं करने। वहीं लगातार उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं कि आप ऑफिस पे बैठेंगे तो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमेशा शिकायतें आती रहती हैं, देखिए यहाँ भी पुड़िया पड़ी हुई हैं। आखिरकार यहाँ पर कौन लोग आते हैं जो यहाँ पर इस तरीके का पान करते हैं। और भी कुछ तस्वीरें हैं, और भी उन तस्वीरों के साथ में आपको जो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ऑफिस जो आप देख पा रहे हैं ये जिलाधिकारी महोदय के बगल से लगा हुआ ऑफिस है, टेजरी ऑफिस। सामने ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो 3 मंजिला इमारत है पूरी, उसकी हालात जो थे वो हमने पूरी कंडीशन दिखाई आपको। इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आप कमेंट करके अपना राय जरूर दें। अजी अब ये बिल्डिंग के ऊपर देखिए आप, यहाँ पर से जो खिड़की की गई है, इस खिड़की के ऊपर से किस प्रकार से कचरा फेंका जा रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेन गेट है और ये गेट के ऊपर से कचरा फेंका जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है एक भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी यहाँ पर गंदगी फैलाई गई। इसी के चलते यहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से लगातार कचरा ऊपर की खिड़की से नीचे फेंका जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर भी कितना कचड़े का ढेर लगा हुआ है। ये कचड़े की गाड़ी भी खड़ी हुई है, ये भी फुल भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है कचड़े का ढेर भी लगा हुआ है। देख सकते हैं जो कूड़ादान यहाँ पर रखा गया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, और इसमें जो है कूड़ा नहीं डाला जा रहा, क्योंकि ये पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब यहाँ पर ये कूड़े का ढेर इस तरीके से लगाया जा रहा है, सकते हैं आप यहाँ पर, और ये भी देख पाएंगे आप। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तिरंगा कलर जो यहाँ पर पेंटिंग की गई है बहुत ही अच्छा रौनक आती है, और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रवेश द्वार के जस्ट बगल से ये आप प्रवेश द्वार देख पा रहे होंगे, जो प्रवेश द्वार है उसके बगल से इस कोने पर यहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, क्योंकि अंदर बने हुए शौचालय इतने गंदे हैं कि अंदर कोई नहीं जा पाता है, जिसके चलते यहाँ पर ही पेशाब की जाती है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।